आला मेरा, मैं आज जिंदा हूँ क्योंकि ये रखवाला मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिम्बा ब्लॉग। आज मैं और मामा जा रहे हैं मंदिर और दोनों चाचा जा रहे हैं मेरे साथ, जो भी ये है ड्राइवर करते हैं, और मैं और मामा जा रहे हैं मंदिर। हेलो एवरीवन, सो हम लोग आज जा रहे हैं मंदिर, हम लोग नहीं और मैं जा रही हूँ, और आप लोग को मैं बनारस का एक बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाने वाली हूँ, जहाँ पे मेरा मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच के रखी थी कि मैं जाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि मैंने वीडियो वगैरह में देखा था, फोटो वगैरह में काफ़ी अच्छा है, मैं अभी तक कभी भी नहीं गई हूँ, तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ भोलेनाथ के मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस है, भी है बनारस में, नया ही है ना बोलो वो बना हुआ, नया ही है, बहुत पुराना नहीं है, तो चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं सेंट जॉन्स स्कूल DLW वाराणसी, और यहां से बाबू का लेना है रिपोर्ट कार्ड में, पीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। मैं भी चलूं? कर चुके हैं सेंट जॉन्स DLW में, और आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल है ये कैंपस, यहां पे बाबू बेबो पढ़ते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्कूल है, मतलब दिखने में भी बहुत अच्छा है, और वैसे भी बनारस का काफ़ी फेमस स्कूल है, यहाँ पे इजीली एडमिशन नहीं हो पाता है, बहुत टफ है एडमिशन यहाँ पे होना, बड़ी मुश्किल से मिल पाता है मतलब एडमिशन वगैरह। तो यहाँ पे बाबू का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना था, तो वही गोलू आया है, तो मैं भी बोला पहले ले लेते फिर चलते हैं, बोला ओके, तो अभी लेंगे फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। बहुत बड़ा भी है ये BLW है, बनारस क्या बोलते हैं रेलवे का जो प्लेस होता है वही है। यहाँ पे ये यीशु मसीह का स्टैचू लगा है, पार्किंग वगैरह है। सो हम अब यहाँ से निकल रहे हैं, और ये कितना सुंदर लग रहा है सामने से ना, बड़ा प्यारा है यार, बहुत मस्त है यार। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये ग्रीनरी देख के मस्त लग रहा है एकदम, और आज मौसम अच्छा है घूमने वाला। अब बाबू इस स्कूल से निकल चुका है, अब वो कहीं और पढ़ाई कर रहा है, यहाँ से उसने 10th किया ना बस, 11th और 12th वो कहीं और से कर रहा है, और साथ में तैयारी भी कर रहा है। चलते हैं दुर्गा कुंड, जहाँ के लिए हम निकले थे, तो मिलते हैं सीधे मंदिर में। हाँ हाँ हाँ, फिर से हो गया, बोलिए अच्छा लग रहा है अभी, ऐसे लग रहा है। ये चौराहे को क्या बोलते हैं, नंदी चौराहा, गुरुधाम चौराहा, यहाँ पे नंदी है, और ये चौराहे पे मंदिर भी है, बाल हनुमान जी मंदिर। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, अपने भोलेनाथ के पास, और आपको दिखाते हैं ये मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है, आपको अभी एक छोटी सी झलक मिली है अभी बनखंडी में आ गए जी।
श्री बनखंडी महादेव मंदिर। और यहाँ पे आने का, इस मंदिर को देखने का, यहाँ पे दर्शन करने का मेरा एक सपना था। तो फाइनली मैं आज यहाँ इस मंदिर में पहुँच चुकी हूँ, जिसके जहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे मतलब आने के लिए मैं इतने टाइम से विश कर रही थी कि मैं बनारस जाऊँगी। मैं बहरीन में थी तब से मेरी ये विश थी कि मैं इस बार इस बनखंडी महादेव मंदिर में ज़रूर जाऊँगी। और कहते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ मतलब पूरे दिल से सोचते हो और चाहते हो तो सच में वो चीज़ मिल ही जाती है। और भगवान मतलब सच में मुझे अपने पास बुलाए और मेरे को इस मंदिर में पहुंच के दर्शन करके बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ आज भोलेनाथ के दर्शन करके। सो गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं घर। हमने दर्शन कर लिया है, वीडियो भी बना लिया है। और इस मंदिर, ये मंदिर दुर्गा कुंड पे है ना, दुर्गा कुंड पे, कहाँ पे लोकेटेड है बता दो? रविंद्रपुरी के पास है ये मंदिर, बनखंडी महादेव। हाँ, दुर्गा कुंड। तो इस मंदिर पे जिसको अभी आना है, मैं से कमेंट करके पूछेगा तो मैं बता दूंगी एग्जैक्टली कहाँ पे है। और ये बहुत प्यारा मंदिर है और बहुत फेमस है, रिसेंटली बना है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है और बहुत अच्छा है। तो अभी चलते हैं घर क्योंकि हो गई है बहुत तेज धूप। चलो बोलो। तब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो बोलिए हर हर महादेव। चलते अब घर गाइस, बहुत तेज धूप हो गई है। जब हम निकले थे तो मौसम इतना अच्छा था कि क्या बताएं, बिल्कुल भी धूप नहीं था। तो इसलिए मैं यही सोच के निकली थी कि धूप नहीं है, अच्छा सा वीडियो बन पाएगा और खलेगा भी नहीं। लेकिन जैसे ही हम निकले आधे रास्ते धूप हो गई। पर कोई नहीं, धूप छा हो रहा है, बट भगवान के दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अभी चलते घर। यहाँ पे आने का मेरा मतलब बहुत बहुत टाइम से मेरा बहुत मन था कि मैं इस मंदिर में इस बार जाऊँगी बनारस, तो ज़रूर जाऊँगी। और आज मैं फाइनली आ गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी चलते घर। तो अभी मैं आ गई घर। बहुत ज़्यादा गर्मी भैया, मौसी एसी भी नहीं चलाई है। तो मिलते हैं थोड़ा पानी वानी पीने के बाद, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी घर आ गए हैं और गोलू चला गया विराज को लेने, क्योंकि विराज के आने का टाइम हो गया था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी भाग के आए। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। मैं बनारस का मशहूर स्वीट लौंग लता, एंड ये बहुत 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 टेस्टी लगता है। और यहाँ पर है समोसा। सो गाइज अभी शाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं आज जूडियो। तो मैं आज आराधा लोग को भी लेके जा रही हूँ। यहाँ बनारस में एक्चुअली इतना रश होता है तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं बच्चों को नहीं चाहती कि बाहर जाएं बाइक वगैरह से। स्पेशली कार से जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट में कार लेके जाना बहुत रिस्की होता है, पार्किंग का प्रॉब्लम होता है और बहुत दिक्कत होती है। तो अभी हम लोग बाइक से ही जा रहे हैं और जूडियो जा रहे हैं। तो आप लोग को भी दिखाते हैं कि क्या। अब मम्मी चलाएगी स्कूटी।
मुझे आती नहीं है। नहीं नहीं आती है, ऑफकोर्स आती है। मम्मा आगे बैठी के नाचो, बीच में मैं पीछे। हाँ। और फिर बीच में मम्मा लड़ा देगी। तो हम चलते हैं जूडियो और देखते हैं। आज मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ जूडियो में शॉपिंग करने के लिए। मुझे खुद भी आइडिया नहीं कैसा है क्या है, तो आज भी चलते हैं देखने अगर, और देखते हैं कि हम क्या आज खरीद कर ले आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हमारे वीडियो में बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं फटाफट से जूडियो। मैंने अभी तक जूडियो में कभी भी शॉपिंग नहीं करी, तो चलते हैं ट्राई करते, देखते कैसा। एक्चुअली मुझे देखना है कि वीडियो वगैरह में देखा है तो बड़ा नाम सुना था जूडियो जूडियो जूडियो, तो आज चल के देख लेते हैं और आप लोग भी बताते उसका रिव्यू देंगे इस वीडियो में। तो लेट्स गो। मुझे नहीं पता। सो हम लोग पहुंच चुके हैं जूडियो और भीड़ आप देख सकते हैं। जूडियो नायसा भी आई है जूडियो। कहाँ गए वो लोग? ये देखो भीड़ यार कितनी ज्यादा है ना बाबू। वाह, मैं तो तुम्हें दिया था आइडिया। बहुत ज्यादा भीड़ है गाइस आज। ए वो लोग गए अंदर। चने मामा ने गिरा दिया कपड़ा। वेरी क्यूट वेरी क्यूट फॉर नेशन। यहाँ पे चल रही है आइसक्रीम पार्टी। तो हम लोग जूडियो से निकल के एक जगह रुक के आइसक्रीम खाए, बच्चों को खिलाया आइसक्रीम वगैरह क्योंकि गर्मी थी। आइसक्रीम खा के हम वापस आ गए घर। और जूडियो का अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है, मतलब घर में पहनने के लिए वैसे भी नॉट बैड, अच्छा है। जूडियो में शॉपिंग कर सकते हैं, नॉट बैड, अच्छा लगा मुझे भी। सो गाइस अब हम घर आ गए हैं और मैंने किया है बहुत सारा शॉपिंग। मैंने लिया है एक ये वाला ड्रेस कॉटन का, एक ये ड्रेस है और एक ये नासा के लिए स्कर्ट टॉप, और एक ये मेरा ड्रेस है वाइट कलर का, और एक प्लाजो है, और एक ये। इतने सारी शॉपिंग मैंने आज जूडियो से करा है। अच्छा सेल चल रहा है लेकिन साइजेस थोड़े कम, मतलब मीडियम साइज में बहुत कम कपड़े अवेलेबल हैं। तो इतनी सारी शॉपिंग करके आज हम आए हैं, अच्छा सेल चल रहा है जूडियो में। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। चलता बाय बाय।